जी सर। जैसा आपने पूछा, सीताराम सेठ जी जो थे, सेठ साहब ही कहा करते थे अक्सर उन्हें, तो कम मुलाकातों के बावजूद अगर कोई शख्स आपकी जहनियत में एक छाप छोड़ दे और आप उसे याद करें, तो ये उस शख्सियत का कमाल ही है। और वो उसके बेहद खूबसूरत मालिक थे अपनी शख्सियत के। सेठ साहब से सिर्फ दो मीटिंग हमने ट्रस्ट की अटेंड की उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सरलता और उनका जो निश्चल, आपने एक जो सवाल पूछा उनका राजनीतिक और आध्यात्मिक उनके बारे में, तो आध्यात्मिकता और उनकी सरलता उनके चेहरे मोहरे से टपकती थी, तो उसपे तो आप विस्तार उसी से समझ जाते हैं कि वो कितने सरल थे और कितने सहज थे। और हम लोग चौधरी साहब, इज्जत जी, हम लोग जब बॉम्बे कभी महासभा के किसी कार्य से गए, किसी मीटिंग की वजह से गए, तो उनके यहाँ जाना जरूर होता था, मिलना हो जाता था, चाहे उनके थाने जाएं या वो बॉम्बे आ जाएं। और मेरा दो चक्कर तो मुझे याद है जो अच्छी तरह हम बैठे हैं और काफी उनके बारे में लोग अच्छे धारणा रखते थे, अच्छे विचार रखते थे। और उनका जो सोशल नेटवर्क था वहां मुंबई के समाज का, सिर्फ अपनी बिरादरी का ही नहीं, बाहर के लोगों से भी, उनकी जो वहां एक मध्यम उच्च वर्गीय उद्योगपति के रूप में एक अच्छी खासी पहचान थी थाने के, मैं समझता हूँ गोपाल नगर था शायद, गोपाल नगर उनका जहाँ फैक्ट्री थी वहां वो काफी प्रसिद्धि थी उनकी। और कई उनकी एक ही नहीं, कई जगह उनकी खंडों में फैक्ट्रियां थी और कई लोगों को उन्होंने सहारा दिया और वो चले। और एक उस समय जहां तक मुझे याद है कि कम लोग जो थे उसमें सरवाइव कर पाए, उसमें वो एक मंदे के दौर के भी अच्छे उद्योगपति वो माने जाते थे। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी मैंने कोई बहुत देखी नहीं, तो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से ही वो अच्छे बेहतर इंसान थे। राजनीतिक तौर पर वो अवेयर तो थे और राजनीतिज्ञों से उनके संबंध भी अच्छे थे, जहां तक मैं समझता हूँ मुलायम सिंह जी से काफी नजदीक थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो राजनीति के लिए, टिकट के लिए कभी बहुत ज्यादा उन्होंने कोई प्रयास किए हो या भागदौड़ की हो, ऐसा कोई मेरा चर्चा में कभी हम लोगों के सामने आया नहीं। और फोन पर भी मेरी दो चार बात उनसे बातें हुई, कई बार हुई, तो बहुत हम लोग जब मिलते थे तो काफी परिवार के बारे में पूछना, बिजनेस का पूछना, अपनापन उनकी बातों से झलकता था हमेशा। तो ऐसे सरल स्वभाव के, ऐसे अपनापन रखने वाले व्यक्ति समाज में कम होते हैं, और सीताराम जी उन लोगों में थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है। और लेकिन ये अच्छा है, अजय जो है उनके पुत्र, वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उतनी शिद्दत से वो जो है मिलते हैं। जब भी मेरा बॉम्बे जाना हुआ या कहीं और हम किसी सामाजिक समागम में कहीं मिल गए, तो वो जो लगाव है सेठ साहब वाला वो पूरा निभाते हैं। और अभी भी जो है हम लोग अच्छे रिश्ते परिवार के तौर पर उनसे निभा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल कि वो जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी भी थे और आप उसके पूरे उस पर लगे रहे हैं, जी, तो कैसे आपने उनको तलाशा? वो ट्रस्ट
जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना महासभा के हमारे दिग्गजों ने की थी 84 में, लेकिन 84 में ना तो मैं ट्रस्टी था उसमें, ना बोध थे। हम लोगों का ट्रस्ट में जो जुड़ाव हुआ वो चौधरी साहब ने हमें जोड़ा था, हरमोहन सिंह जी ने, जब वो जब इस भूमि स्थापना इसके लिए इसको भूमि का आवंटन हुआ ट्रस्ट को वैशाली के लिए नेताजी मुलायम सिंह जी के वक्त में, एक इज्जत जी द्वारा आवेदन दिया गया कि पिछड़ा वर्ग से यादव जाति का बड़ा योगदान है और इनके पास कोई अपनी भूमि या कार्यालय के लिए जगह नहीं है, तो इनको एक भूमि आवंटन होना चाहिए। तो एक जमीन एक एकड़ के से थोड़ा कम थी, काफी 4000 मीटर के करीब हमें वहाँ गाजियाबाद में आवंटन किया गया था, तो उसके लिए रुपया जमीन का जमा करना था। तो यादव समाज में पिछड़ापन की हालत ये थी कि बहुत कम लोग उस वक्त थे 90 में जिनके पास ये था कि आर्थिक रूप से उसका भुगतान कर पाए मिलके, तो हमें 20-25 लोगों की तलाश थी ताकि जो कम से कम इसका जमीन का भुगतान हो सके। तो उस वक्त मैं इज्जत जी जो थे आजमगढ़ से सांसद थे राज्यसभा में, चौधरी साहब यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने सुझाव दिया चौधरी साहब को कि सीताराम सेठ हैं बॉम्बे में, उनका वो कपड़ा मिल चलता है थाने में, तो उन्हें क्यों ना जोड़ा जाए। तब इस तरह इनका जो है श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट से ट्रस्टी के रूप में इनको लिया गया, और उन्होंने बड़ा दिल खोल के बिना किसी हिचक के स्वीकार किया और दिल से योगदान किया। एक और छोटी सी बात, क्योंकि आप जो उनसे जुड़े रहे हैं, सारी गतिविधियों को जानते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, कई लोगों ने बातचीत में कहा, जो स्वयं राजनीति में किसी महत्वाकांक्षा को नहीं होते, बड़े सीधे साधे और अपने, लेकिन उनके बारे में बताते हैं कि नेताजी से जब उनकी मुलाकात हुई, हालांकि वो शुरुआती दौर में वहां कांग्रेस से जुड़े रहे और सारी चीजें, लेकिन जब नेताजी अपनी पार्टी 1993 में बनाए, तो ऐसा बताते हैं लोग कि वो एक तो उन्होंने उनको उसके संस्थापक सदस्यों में भी रखा और आजीवन उसकी एडिटिव रहे, और आर्थिक रूप से समाजवादी पार्टी के गठन में उनका बड़ा योगदान बताते हैं। ये तो आपको, मुझे इतनी जानकारी तो है कि नेताजी से उनकी नजदीकियां थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य भी थे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उनके समाजवादी पार्टी के, हालांकि मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन मैंने उनको देखा उसमें, दिल्ली में भी जब मीटिंग हुई तो आए थे, और दूसरे शहरों में भी जाते थे, सक्रिय रहते थे, लेकिन कोई बहुत महत्वाकांक्षा उनके भीतर मैंने नहीं देखी कि हाँ कि वो मुझे विधायकी चाहिए या मुझे जो है नामित करवा दीजिए या कुछ कर दीजिए, सब ऐसा कुछ उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन राजनीतिक सजगता थी, सजगता थी। लोगों को उन्होंने प्रमोट किया, बॉम्बे में पार्टी गठित हुई तो गठन के साथ जो वहां का चुनाव हुआ, 4 विधायक और लोग दिल्ली वाले लोगों से, आप बॉम्बे के बारे में तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना ही उन्होंने मुंबई शहर में जो कराई होगी, तो उनके सहयोग के बिना संभव ही नहीं हो सकती। सुनील साहब बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। और कोई ऐसा सुझाव? ठीक है, बस धन्यवाद जी।